झारखंड के रामगढ़ में बस और कार की टक्कर, 5 की मौत। टक्कर के बाद बस में लगी आग, 5 यात्रियों की झुलसने से मौत। वाराणसी के घाट पर टला हादसा, इंजन में खराबी से नाव और घाट से टकराए क्रूज, बाल बाल बचे यात्री। बिहार के हाजीपुर में गंगा में उफान से मची तबाही, एक दर्जन से ज्यादा मकान नदी की तेज धार में बहे। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लोगों में बढ़ रहा है गुस्सा, कंधार में तालिबानी फरमान के बाद हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। श्रीनगर में सुबह सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फेंके ग्रेनेड, दोनों में से एक भी नहीं फटा ग्रेनेड। दिल्ली में आतंक के पाक मॉड्यूल का खुलासा, पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके 2 आतंकियों समेत 6 गिरफ्तार। महाराष्ट्र धरा गया सलीम नाम का संदिग्ध, धरे गए उसामा और जीशान ने पाक में ली थी आतंकी ट्रेन। दीवारों पर आई थी धमाके की साजिश, रचे थे संदिग्ध आतंकी। आतंकियों के पास से आईडी और आरडीएक्स बरामद, बड़ी मात्रा में हथियार और हाई क्वालिटी पिस्टल भी जब्त। पकड़े गए 6 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में खुलासा, 2 आतंकियों को पाक आर्मी के अफसर ने ट्रेनिंग के लिए पहुंचाया था फार्म हाउस। 2 आतंकियों ने ली थी पाक में ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए फार्म हाउस का इंतजाम पाक आर्मी ने किया था। दोनों आतंकियों का खुलासा, ट्रेनिंग के दौरान AK-47 खोलना, बंद करना और चलाना सिखाया गया, आईडी बनाना, उसे प्लांट करना भी सीखा। आतंकियों को सिखाया गया बिना हथियार कत्ल करना, अचानक छुपने के भी दिए गए टिप्स। अभी चला नहीं है खतरा, 16 बंगाली बोलने वाले और पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटे लड़के बंगाल में हो सकते हैं मौजूद। गिरफ्तार किए गए आमिर जावेद के पिता ने कहा, मेरे तीनों बेटों को ले गई पुलिस। असलम जावेद का बयान, उसके पकड़े गए तीनों बेटे प्राइवेट नौकरियों में, डिलीवरी सर्विस और कंपनी से जुड़े लोग। आरोपी के परिवार से भी पूछताछ, धारावी में जान मोहम्मद की 2 बेटियों और पत्नी को पुलिस स्टेशन लाया गया। प्रयागराज में डॉक्टर बंसल की हत्या से जुड़ा एक और आरोपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। काबुल में भारत मूल के सिख को आतंकियों ने किया अगवा, अब तक सुराग में है। गुजरात के सौराष्ट्र में बाढ़ का कोहराम, जामनगर, जूनागढ़ और राजकोट का हाल बेहाल। जामनगर में बाढ़ का पानी निकलने के बाद सामने आया तबाही का मंजर, पानी में बह गया रेलवे का ट्रैक। जामनगर के नागेश्वर इलाके में मंदिर में फंसे 4 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। जूनागढ़ में एनडीआरएफ की टीम दिन रात राहत कार्य में जुटी, खेत में फंसे परिवार को बचाया। जूनागढ़ के बड़े इलाके में सैलाब का संकट, पानी में घिरे लोगों को बचाने की कोशिश। राजकोट में बारिश और बाढ़ का संकट गहराया, निचले इलाकों में भरा पानी। राजकोट की पुलिस ने पानी में गिरे लोगों को बचाया, कई लोगों की बचाई जिंदगी। जूनागढ़ के कुछ इलाकों में पानी घटा, अब बीमारी फैलने का खतरा। गुजरात के सीएम पटेल ने किया कुछ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, लोगों ने बताई दिक्कतें। नासिक में लगातार भारी बारिश से बढ़ रहा है गोदावरी नदी का जलस्तर, मंडराया बाढ़ का खतरा। गुजरात के दाहोद में चमत्कारी रूप से बच गया एक शख्स, बस ने मारी थी टक्कर, बस के नीचे जा गिरा था युवक। बस के नीचे से जिंदा निकला युवक, सीसीटीवी फुटेज देखकर लोग हैरान। अयोध्या में रामलीला स्थल का पूजन, विरोध करने वाले संत भी रहे मौजूद। एप्पल आईफोन 13 सीरीज की धमाकेदार लॉन्चिंग, दमदार बैटरी और शानदार कैमरा समेत कई नए फीचर्स। तनिष्क ने लॉन्च की ईयरिंग्स के नई वैरायटी, मीरा राजपूत की मौजूदगी में हुई लॉन्चिंग।